विपक्ष के आक्रामक तेवर और सुलगते सवालों के बीच 18 विधायकों के निलंबन के बाद झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में अपना भाषण दिया। लगभग 35 मिनट लंबे अपने संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। विपक्ष पर हमलावर भी हुए, वहीं कई घोषणाएं भी कर डाली। हाथ में कुछ पन्ने लेकर विपक्ष की तरफ उंगली दिखाते हुए सीएम ने कहा कि इन लोगों का काला चिट्ठा मेरे पास है, इन्होंने 5 साल में क्या किया सब मेरे पास है, कितने भवन बनाए, कितनी चोरी की सब हमारे पास है, इन लोगों ने डाका डालने का काम किया है, जमीन के लिए मर्डर तक हुआ है, ये लोग जमीन लुटेरे हैं और मुझे जमीन लूटने के आरोप में जेल में बंद करवाते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर उनको जेल में नहीं डाला जाता तो वो 5 लाख नौकरियों का वादा पूरा कर लेते। सीएम ने बताया कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों को मिलाकर उनकी सरकार ने कम से कम 1.5 लाख नौकरियां दी। सीएम ने कहा आंगनबाड़ी सहायिका सेविका का मानदेय हमारी सरकार ने 50% बढ़ाया, रसोईया का मानदेय 100% बढ़ाया, वहीं अनुबंध कर्मियों के मामले में 1,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया। अभी हम गर्व से कहते हैं जो हमने 5 साल में किया ये 50 साल में नहीं कर पाते। हेमंत ने कहा कि हजारों युवाओं को हमने नियुक्ति पत्र इसी हाथ से दिया है, हमारे बच्चे आज देश और विदेश में अच्छी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की बात करें तो इन लोगों ने 20 सालों में नियमावली तक नहीं बनाई, हमने नियमावली बनाने का काम किया, ये लोग पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, इनसे पूछिए कि हाई कोर्ट में स्थानीय नीति के खिलाफ कौन गया था, इन लोगों ने स्थानीय नीति को कोर्ट में रोकने का काम किया। हमारे राज्य में ये कानून बने तो असंवैधानिक और उनके राज्य में बने तो संवैधानिक, हमने 90% आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति की, ये लोग क्या बात करेंगे, ये लोग आईना भी देखेंगे तो आईना शर्मा जाएगा, ये इतने बहुरूपीय हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डेमोग्राफी के मुद्दे पर भी बोले, ये लोग डेमोग्राफी की बात करते हैं, इन लोगों से पूछे कि रांची धनबाद बोकारो और जमशेदपुर में आबादी क्यों बढ़ाई, किसके कारण आदिवासियों की संख्या घटी, ये लोग हमारे देश की स्थिति पाकिस्तान से भी खराब कर देंगे। महंगाई का स्तर देख लें, केंद्र में पहले मोदी और भाजपा की सरकार थी, अब केंद्र में बैसाखी की सरकार है, सहायक पुलिस कर्मी को इन्होंने नाजायज तरीके से नियुक्त किया, हम लगातार इन्हें एक्सटेंशन दे रहे हैं और घोषणा की है कि पुलिस नियुक्ति में 10% आरक्षण देंगे। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों को अनुग्रह राशि देंगे और मूर्त होने पर अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देंगे, हम अपने काम के लिए मछली की आंख की तरह लक्ष्य रखकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उनकी हर बात का मुंहतोड़ जवाब देंगे, चाहिए बाहर कहीं से भी झारखंड में नेता बुला लें। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.